सारी महान विभूतियाँ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में थी, और मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड की क्रीम, क्रीम कह सकते हैं, यहाँ एकत्र है और उन सबका हम सबको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे भाषा विभाग के मंत्री के नाते जो लगातार भाषा के लिए, साहित्य के लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए और इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी के उत्थान के लिए उनको आगे मंच मिले, आगे उनका प्रोत्साहन हो, लगातार काम करने वाले से अभी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और ये जो सभागार है, इस सभागार में हमको सबसे ज्यादा अगर अध्यक्षता करने वाले कोई देहरादून के मंत्री होंगे तो वो मंत्री है हमारे श्री खजानदास जी, आदरणीय खजानदास जी, पूर्व मुख्य सचिव, और जिन्होंने वास्तव में आज मैंने जो सुबोध भाई अभी कह रहे थे, मुझे भी सीखने के लिए मिला कि साहित्यकार की रचना केवल उसके उस समय के विचारों पर ही आधारित नहीं होती है, उसमें कुछ देवत्व मिला होता है, कुछ ना कुछ ऊपर वाले की भी जो है रचना होती है जब वो अपने वैचारिक धरातल से ऊपर उठ जाता है। और मैं सच बताऊँ तो आज मुझे एक अलग प्रकार का ज्ञान आपने यहाँ पर दिया, हमारे पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु पांडे जी और हमारी दीदी सुधा जी जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं और प्रोत्साहन भी करती हैं अवसर अवसर पर, सचिव श्री विनेन्द्र तुड़ी जी, और इस भाषा संस्थान को आगे बढ़ाने का काम इनके संयोजन में हो रहा है, स्वाति भदौरिया जी, हमारे इस कार्यक्रम में एक के बाद इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और एक से महान भी हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी जो कि जिन्होंने हमेशा हम सबके अंदर एक उत्साह का सृजन किया है अपने गीतों से, और उनकी फरमाइश तो इतनी होती है कि अगर यहाँ पर भी समय होता तो हम लोग कहते कि एक गीत यहाँ भी सुना दीजिए, और बहुत सारे ऐसे हमारे उत्तराखंड को जिन्होंने आगे बढ़ाने का, पहचान देने का काम किया है, ऐसे सभी हमारे सूची में नाम लो तो काफ़ी, लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी, दिलपी नंदन भट्ट जी, गिरीश सुंदरयाल जी, डॉक्टर सुरेश मंगई जी, के खान, नदीम बर्नी जी, प्रेम साहिल जी, प्रोफेसर शैले जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर ललित मोहन पंत जी, गणेश कुशल गणी भाई जो हमको बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, तबले पर निकुंज ध्यानी जी और संचालन करने वाले हेमंत बिष्ट जी जो हमारे अनेक कार्यक्रमों में अपना संचालन का काम उनके जिम्मे रहता है, और आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के मेरे भाइयों एवं मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से आज जिनको मुझे सुबोध भाई को हम सबको सम्मानित करने का अवसर मिला है उन सबका और आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, और इसके साथ ही आज विश्व मातृभाषा दिवस की भी बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। यह आज बड़ा अच्छा दिन है कि यहाँ पर एक अच्छा खजानदास जी ने जब भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि खजानदास जी आपने जो है आज बिल्कुल इसमें एक अच्छा वातावरण बना दिया, तो एक अच्छे वातावरण में अच्छे दिन आप जैसे महान कलाकारों को आज ये सम्मान देने का हम सबको अवसर मिला है, और सच में ये जो नई शुरुआत हुई है वास्तव में आप सब लोग एक एक करके कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से इससे हमारा भी प्रोत्साहन हो रहा था, हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा था, और ये आप सबको सम्मानित करना
ये केवल आपका सम्मान करना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से अपने कामों से, अपनी लेखनी से लगातार हमारा इस लोक भाषा का, हम सब का, राज्य का, देश का सम्मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे ये भी विश्वास है कि आगामी वर्षों में भाषा संस्थान द्वारा अपनी साहित्यिक एवं जो भाषाई गतिविधियां हैं, जिनके लिए अभी सुबोध भाई ने कुछ यहाँ पर कहा है कि जमीन आवंटित करी जाए, साहित्यिक ग्राम बनाया जाए, तो उसमें भाषा संस्थान, भाषा विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और नवाचार करना, ये बहुत मैं कहूँ कि हम सबको नवाचार की ओर, आप लोग तो नई नई कृतियाँ करते हैं, नई नई रचनाएँ करते हैं, नए नए गीतों का सृजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं मेरे मन में है, मैं ये बात आप सबके समक्ष बोल रहा हूँ। अभी हमारे कभी अन्य जो हमारी इस प्रकार की योजनाएँ रचनाएँ और नियोजन करने वाली जो हमारी बैठकें होंगी, तो उन बैठकों में भी कहूँगा कि सबको हमको नवाचार की ओर जाना चाहिए और इस दिशा में हमारा भाषा संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसको आप सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। हम लोग भी लगातार आशान्वित हैं कि निकट भविष्य में भी और तेज़ी से इस क्षेत्र में काम होगा, जहाँ इससे प्रदेश में हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो प्रचलित हैं और जो अभी प्रचलित नहीं हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियाँ, उनमें रचे जा रहे जो साहित्य हैं, उन साहित्यों को भी प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की पहचान आज एक ऐसे राज्य के रूप में है, जहाँ भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है, और हमेशा उन्होंने छोटे स्थानों पर जन्म लेकर बड़ा काम किया है, धरती से आसमान को छूने का काम किया है, एक से एक, जैसे अभी इंदूर पांडे जी नाम बता रहे थे, सुमित्रा मोहन पंत जी का है, ऐसे भजन सिंह जी हैं, गोविंद चादर जी हैं, गोवानी पंत जी हैं, शैलेश मटियानी, डॉक्टर पीताम्बरकर बर्थवाल, मनोहर श्याम जोशी जी, तोरा पंत शिवानी जी, शेखर जोशी जी, लीलाधर जरूरी जी, वीरेन डंगवाल जी, गिरीश तिवारी, गिरदा भैरव दत्त भूरिया, जैसे महान रत्नकारों ने उत्तराखंड की इस जो भूमि है, इसकी चिंतन परंपरा को विराट भावभूमि प्रदान की है। ये उल्लेख जब हम इतने सारे लोगों का नाम ले रहे हैं, तो इलाचंद्र जोशी जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सरदार पूर्ण सिंह जी, प्रसून जोशी जी, जो आजकल देश विदेशों में हम सब की ख्याति बढ़ा रहे हैं, गंगा प्रसाद विमल जी, शेरचंद गर्ग जी आदि के नाम भी इसमें हैं, और इन सब के नाम ना आए तो मैं समझता हूँ कि ये अधूरा रह जाएगा। इनके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने न केवल उत्तराखंडी साहित्य बल्कि हिंदी साहित्य को भी समृद्ध किया है, लगातार उसको पहचान देने में अपना योगदान दिया है। ये सुखद अवसर है कि आज हमने जो साहित्यिक परंपरा है उसको विस्तार करने वाले हमारे सभी जो प्रमुख लोग थे, और जिनका चयन एक बहुत ही विधि सम्मत तरीके से और हुआ होगा, अभी ये नहीं है कि जितने लोग आए हैं, इनके अलावा भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और ये परंपरा हमने शुरू की है कि कुछ लोगों को पहले बार जब हमने किया था उस बार हम सबको ही सम्मानित करने का अवसर मिला था, इस बार उसमें से कुछ लोग सम्मानित हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं जो योगदान है उसको सबके सामने लाने का एक प्रयास हम लोगों ने भी किया है। सम्मान, ये सम्मान केवल इसलिए है कि जो काम धरातल पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और भी जो लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आगे निकट भविष्य में, चूंकि ये एक नई परिपाटी हमने शुरू की है, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक काम जो शुरू हुआ है, इसका कोई आज कार्यक्रम से समापन नहीं हो जा रहा है, ये काम शुरू हुआ है, ये आगे तक चलता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जिन्होंने अनेक विशिष्ट बोलियों में भी
अपनी जो रसना है, रसना कर्म उन्होंने किया है, कर रहे हैं। और ये भी सत्य है कि समाज अपनी भाषा और बोलियों का, जो भी समाज अपनी बोलियां हैं, भाषा है, संस्कार है, संस्कृति है, उनका सम्मान नहीं करता है, वह जल्दी ही अपनी पहचान खो देता है। वो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई पेड़ तो है, बाहर से दिख रहा है कि अभी फूल लगे हैं, पेड़ पत्ते लगे हैं, टहनियाँ लगी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो धराशायी हो जाता है, समय के साथ साथ कम हो जाता है। हमें अपनी जो भाषा है, बोलियाँ हैं, उनको बचाने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी इसमें सहभागी बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम सभी को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। बहुत बार मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी कल ही एक बेटी किसी बैंक में भर्ती हुई थी, बड़े बैंक में, तो मेरे पास आए थे उनके पिताजी लेकर। पिताजी तो बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहे थे उधर, लेकिन जब मैंने बेटी से कहा कि इसको भी आती है कि नहीं आती है, तो वो तो हंस दी बेटी। तो पिताजी ने बोला कि अब हम इसको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी घर में इनसे जरूर इसमें बताएं अपने महत्वपूर्ण कार्य को। हम सभी ने अपने घर से ही जो है इस चीज़ को शुरू करना होगा, क्योंकि जब हम घर से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हमारे कर्णधार हैं आज, वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक जो ये महत्वपूर्ण पहलू है ये उनसे छूट जाए, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी विरासत है, उसने हमको दिया है। और कोशिश हो कि घरों में अगर हम बच्चों से बात करें तो अपनी भाषा में करें, आम बोलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी लोक भाषाओं पर जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनके बीच में जाकर इन सभी का, इन बातों का विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे हिंदी के साथ साथ जो हमारी अन्य लोक भाषाएं हैं उनका भी संरक्षण होगा, उनका संवर्धन होगा, विकास होगा। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को, जो भी आप सबके बीच में से सुझाव आते हैं, वैसे तो हमारा भाषा संस्थान इन सब पर काम करता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सबके द्वारा समय समय पर अपनी जो आपके आपके विचार हैं, आपके सुझाव हैं, अगर वो मिलते रहेंगे तो भाषा संस्थान का जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, जिसको बढ़ाया जा रहा है, सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है पूरी संवेदनशीलता के साथ, वो उद्देश्य आगे बढ़ेगा, हम कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ेंगे। और ये सच है कि वास्तव में सुबोध भाई कल मुझे कह रहे थे यार, वो पहले भाषा विभाग तुमने खाली जो है एक विभाग और बढ़ेगा करके मेरा जोड़ दिया सर, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ यहाँ पर कि इन्होंने आने के बाद और उनकी पूरी टीम ने, हमारे गतुड़ी जी ने, स्वाति जी ने बहुत मेहनत से इस विभाग को भी आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन में एक नई पहचान देने का काम किया है। ठीक है ना कमला दीदी? अब करेंगे तरण की बात करेंगे, इतना अच्छा आदमी है। तो भाइयों बहनों, अपनी स्थापना के बाद से भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाया है। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को भी एक छत के नीचे लाते हुए इसको उत्तराखंड भाषा संस्थान को पुनर्गठित किया है। हमारी सरकार ने अभी, स्वाति ने जब यहाँ से बोला था तो अभी पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने इसमें पदों के सृजन को भी जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही हमारी सरकार भाषा संस्थान की जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए जो भी काम हो सकते हैं, जो हर संभव कार्य हो सकते हैं, उन सभी कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप सब जानते हैं कि कोई भी निर्णय जो राज्य के हित में, राज्य के रहने वाले लोगों के हित में लिया जा सकता है, किसी विभाग में हो, किसी संस्थान में हो,
उसमें हमने पहले से तय किया हुआ है, ये हमारा संकल्प है कि हम इतना सा तनिक मात्र भी पीछे हटने वाले नहीं है, तनिक भी देर करने वाले नहीं है। सोच समझ के राज्य के हित में जो भी निर्णय हो सकता है वो निर्णय हम ले रहे हैं और यहाँ भी लेंगे। मैं प्रदेश के साहित्यकारों, भाषाविदों और शोध करने वालों से, शोधार्थियों से सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान दें और इस संस्थान को देश के, आज हम हर क्षेत्र में एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो हिमालय का राज्य, जैसे अभी समान नागरिक संहिता की बात खजानदास जी ने करी, समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है। और किसी को कई बार लोग उसके बारे में कई प्रकार की बातें कर भी रहे थे, विधानसभा में भी हमने लगातार उसमें चर्चा करी, कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि साहब इसमें विरोध किस बात का है। किसी को हमने टारगेट करने के लिए नहीं किया है, किसी को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया है, सबकी समानता के लिए लाए हैं। और ये हमारा उत्तराखंड का जो ये आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा कि नई सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में रहने वाला कोई किसी पंथ का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, सबके लिए हम एक समान कानून बनाएंगे। वो तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बुजुर्गों की सुरक्षा भी है, बच्चों के भविष्य की चिंता भी है, उसमें सबकी चिंता की गई है। और ये काम उत्तराखंड से शुरू हुआ है। मैंने पहले कहा कि ये जैसे गंगा, माँ गंगा यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के पूरे देश को अभिसिंचित करती है, कहीं जल देती है, कहीं जीवन देती है, किसी न किसी रूप में लोगों को कुछ न कुछ देने का काम करती है। उसी प्रकार से ये भी हमारे यहाँ से निकला है तो वो भी पूरे देश को एक दिशा देने का काम करेगा और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड का, उत्तराखंड के लिए इतिहास बना है, देश के लिए इतिहास बना है। तो हम एक मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आज हमारा मॉडल बन रहा है, हर क्षेत्र में उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन रही है देश दुनिया में। मैं तो पूरे दुनिया के कई सारे स्थानों पर गया अभी, तब मैंने देखा कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, वो दुनिया के किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। आज वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और वो सब लोग भी, उत्तराखंड आगे बढ़ता है तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको भी होती है, क्योंकि वो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको भी लगता है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जरा सोचिए, जो सात समुंदर पार है वहाँ पर अगर उत्तराखंड की कोई बात आती है, अच्छा होता है, तो उनका सीना जो है बिल्कुल फूल जाता है, गर्व से फूल जाता है, उनका माथा ऊंचा हो जाता है, ये हमने देखा। और जैसे हमारी टोपी है उत्तराखंड की, ये बिल्कुल हमारी ब्रांड बन गई जो आपने पहनी है। पूरा जगह जगह जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, गर्मी में सऊदी, वहाँ दुबई में हम गए तो दुबई में मैंने देखा कि वो मेरे लिए भी टोपी लाए थे और साथ में जितने थे वो सबके सब टोपी पहन के आए थे। तो इस प्रकार की पहचान आज हमारे राज्य को हर क्षेत्र में मिल रही है। तो इसके लिए हमको इस, जैसे मैंने कहा कि अनेक क्षेत्रों में हम आज मॉडल बन रहे हैं, तो वैसे ही मॉडल हमको इस साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और ये भाषा के विकास के लिए, स्थानीय बोली, भाषा, इन सब में भी एक मॉडल बनाना है, जहाँ ज्ञान विज्ञान के साथ हम अन्य चीज़ों में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो हमारी विरासत है, इस विरासत को भी सहजते हुए, साथ लेते हुए गंतव्य तक जहाँ तक हमको जाना है, ये भी हमारे गंतव्य के साथ चलेगा। मैं अंत में उत्तराखंड शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारे प्रबुद्ध लोगों की भूमि है, उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो भाषा संस्थान की जो पहचान है, वो पहचान पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में और दुनिया में होनी चाहिए। इसके लिए हमको आज निश्चित रूप से यहाँ से अपने मन में कुछ विचार बनाकर जाना चाहिए। मैं अंत में पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप लोग जब भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो आप सब लोग अपनी उपस्थिति से जहाँ हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे अंदर उत्साह का सृजन करते हैं और एक प्रेरणा भी देते हैं, अपने विचार भी देते हैं, जो हमारे लिए आगे के हमारे कार्यों को करने में, हमारे भाषा संस्थान को कार्य करने में
एक रास्ता मिलता है, एक पाथे का काम होता है, ये आगे भी निरंतरता से चलता रहेगा। पुनः जिन साहित्यकारों को आज गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है उन सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त